हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर पांच क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम इस फिगर के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए, इसमें कितना पट्टी है, 1, 2, 3, 4, 5। ये गोल्ड पट्टी है, गोल्डन कलर का है, उसके बाद रेड है, उसके बाद ब्लू है, फिर ब्लैक पट्टी है, उसके बाद अंतिम में वाइट पट्टी है। इस प्रकार से पाँच पट्टी है। तो प्रश्न में कह रहा है क्या कि गोल्ड पट्टी का व्यास 21 सेंटीमीटर है। देखिए, हमने यहाँ पर 21 लिख दिया है, इस पट्टी का व्यास 21 सेंटीमीटर है। शेष अन्य जितनी भी पट्टियाँ हैं प्रत्येक की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गोल्ड क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। हमें करना क्या है, प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, वही चीज़ देख रहे हैं। गोल्ड क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या व्यास का आधा यानी डायमीटर बटे 2 एंड डी बाई 2। तो गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या सबसे पहले हमने निकाल दिया क्या, 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, रेड क्षेत्र की त्रिज्या, ये रेड क्षेत्र है, इस क्षेत्र की त्रिज्या हम क्या कहाँ से निकालेंगे। देखिए, यहाँ हमने चिन्हित किया है, यहाँ से केंद्र तक ये हो जाएगा त्रिज्या। तो ये हो गया 10.5 गोल्ड क्षेत्र, और बाकी अन्य पट्टी भी 10.5 सेंटीमीटर का है। तो देखिए, 10.5 और 10.5 मिलकर हो गया 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेड क्षेत्र की त्रिज्या हो गया 21 सेंटीमीटर। इसी तरह से देखिए, ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या, तो ये 10.5, 10.5, फिर 10.5 मिलके हो गया कितना, ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या 31.5। इस तरह से आप देखते हैं ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या, फिर इसी तरह से 10.5 ये गोल्ड, यहाँ भी 10.5, यहाँ भी 10.5, यहाँ भी 10.5। तो ब्लैक क्षेत्र का त्रिज्या जो है वो कुल 10.5 को हम 4 से गुना कर दिए, चूँकि 4 पट्टी से पहले है कुल मिला करके, तो ये 42 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद देखिए, वाइट क्षेत्र की त्रिज्या, तो कुल 5 पट्टी है 10.5 आकार का, चौड़ाई है 10.5, तो 10.5 को 5 से गुना कर दिए, ये वाइट पट्टी की त्रिज्या निकल गया। अब देखिए, प्रत्येक पट्टी को यानी गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या हमने R1 मान लिया है, रेड क्षेत्र की त्रिज्या R2, इस तरह से R3, R4 और 5। हमें करना क्या है, प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना आसान है, आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो इसकी त्रिज्या को हमने R1 मान लिया है। देखिए, यहाँ पर R1, इसको यहाँ लिखना था, यहाँ छूट गया, इसलिए हमने नीचे लिख दिया है। यदि 3.14 पाई का मान दिया हुआ ना रहे तो आप 22/7 ही लेंगे, पहले भी हमने ये बात बता दिया है। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुना इसकी त्रिज्या R1 है 10.5 गुना 10.5, चूँकि स्क्वायर है इसलिए 10.5 को हमने 2 बार गुना कर दिया है। इन सबको देखिए, 7 से सबसे पहले हमने इसको काट दिया है, 1.5 हो गया। इन सबको गुना करने के बाद आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम रेड क्षेत्र के अंदर में देखिए, यहाँ पर रेड क्षेत्र की का क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसके बाद ये गोल्ड क्षेत्र को वहाँ से हम घटा देंगे। तो गोल्ड क्षेत्र हमने पहले ही निकाल दिया है। तो देखिए, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल πr² स्क्वायर, चूँकि इसका त्रिज्या हमने R2 माना है, और माइनस कर दिए, ये गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल को हमने घटा दिया। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, 346.5, यहाँ हमने पहले निकाल के रख दिया है। और रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, पाई का मान 22/7 गुना, और R2 का मान है 21, तो 21 गुना 21 कर दिए। इसको सबसे पहले हम 60 से काट दिए, तो 7 * 21 हो गया, 21 * 63, 63 * 22 1386 हो गया, माइनस 346.5, ये गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इसको घटा देने के बाद 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये देखिए, यहाँ देखिए ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पूरे का, उसके बाद रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे का उससे घटा देंगे, तो हमारा ब्लू क्षेत्र निकल जाएगा। तो चलिए, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या है R3, तो πr³ स्क्वायर माइनस ये रेड क्षेत्र πr² स्क्वायर, πr² स्क्वायर का मान हमारे पास यहाँ पर है, पाई का मान 22/7 और R3 का मान 31.5, पहले हमने निकाल के रख दिया है, 31.5 गुना 31.5, उससे हम
ये पाई आर टू स्क्वायर यानी 1386 को घटा दिए। तो घटा देने के बाद देखिए इन सबको पहले, सबसे पहले हमने 7 से इसको काट दिया है, 7 से काट देने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ गया क्या, गुना करने के बाद 3118.5, उससे हम घटा दिए ये रेड क्षेत्र 1386 को, तो हमारे पास आंसर निकल गया क्या 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर निकल गया। चलिए इस तरह से हम ब्लैक क्षेत्र में चलते हैं। तो ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ब्लैक क्षेत्र का ही क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, पाई आर फोर स्क्वायर। तो आर फोर का मान 42 है, तो 22/7 गुना आर फोर स्क्वायर है, तो 42 गुना 42, ये स्क्वायर को हमने एक साथ डबल लिख दिया है, तो अब इसको काट दिया 742, इसको गुना करने के बाद ये हो गया 5544। उससे हमने घटा दिया कि इसको ब्लू क्षेत्र को घटा दिया, देखिए ब्लू क्षेत्र का मान हमारे पास यहाँ पर निकला हुआ है, तो ब्लू क्षेत्र को घटाने के बाद रिजल्ट आया कितना 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ थोड़ा एक बार समझ लीजिए। देखिए पूरे वृत्त का निकालेंगे, उसके बाद ब्लैक के अंदर जितना बचा है ये पूरा का निकालेंगे, पूरे वृत्त का निकालेंगे तो त्रिज्या लेना होगा कितना हमें 52.5, और ब्लैक क्षेत्र तक निकालेंगे तो त्रिज्या लेना होगा 42.5। तो देखिए ये ब्लैक क्षेत्र तक हमारे पास निकला हुआ है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लेते हैं, पाई आर फाइव स्क्वायर, उसको हमने आर फाइव माना है, और आर फाइव का मान कितना है हमारे पास, आर फाइव का मान है 52.5 हमने निकाल के रखा है, माइनस पाई आर फोर स्क्वायर, पाई आर फोर स्क्वायर, आर फाइव का मान है 52.5, तो 52.5 गुना 52.5 कर दिए, और उससे हमने घटा दिया क्या ये ब्लैक क्षेत्र जिसका हमने पहले से निकाल के रखा है, यहाँ निकाल के हमने रखा है यानी 5544। अब चलिए इसको हम 7 से पहले काट देते हैं, 7 से काटने के बाद इसको गुणा कर देने के बाद रिजल्ट आता है मेरे पास 8662.5, और हमने घटा दिया उससे पहले ब्लैक क्षेत्र वाले को 5544। घटा देने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका PDF यदि आपको देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा।